जदों हाई कोर्ट दे विच प्राइवेट स्कूल वाले ने अपनी रिट दायर की उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते हैं तो 70% ही उन्होंने टीचर सैलरी देनी पवेगी। इस गल दे उपर साढ़े एडवोकेट जनरल साहब चार पांच वार हाई कोर्ट दे विच खुद पेश होए सरकार दा पक्ष फाइट करन वास्ते। जिहड़े बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है बाय प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है प्राइवेट स्कूल्स वालों वो सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। असी इन गल वी नेवर न्यू कि बंदा कोई व्हाट्सएप के उपर फोटो खिंच के वह होमवर्क भेज के उन्होंने ऑनलाइन क्लास चार्ज करूगा। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गल दिस इज रोंग ऑन द पार्ट ऑफ पीपल हु आर चार्जिंग फीस बाय सेंडिंग होमवर्क ऑन व्हाट्सएप। यार जिथे कोई बंद ने 23 मार्च में ही बच्चों लेट पेमेंट के नोटिस भेजने शुरू करते, बहुत सारे बच्चों को यह कहता कि जो तुम 31 मार्च तो पहले फीस ना दी तो 9 कट देंगे। तो इस करके सरकार ने पहले दिन पहले लॉकडाउन वाले दिन बच्चों के इंटरस्ट पेरेंट्स के इंटरस्ट यह ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी स्कूल लेट पेमेंट नहीं चार्ज करेगा, कोई भी बच्चा फीस नू डेफर रहेगी। निजी स्कूलों ते विद्यार्थियों के मापिया विचाले चलिया रहा फीसा का विवाद आए दिन नवा मोड़ लै रहा है। हुण इस फीस विवाद से पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया। हाई कोर्ट ने बीते दिन फैसला दिता सी कि स्कूल बच्चों के मापिया तो दाखला ते ट्यूशन फीस लैण दे नाल नाल होर खर्चे वसूलण के हकदार होणगे। जिस तों बाद पंजाब सरकार ने हुण इस फैसले को हाई कोर्ट की डबल बेंच कोल जाण दा ऐलान किया है। पंजाब दे सिख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने ऐलान किया है कि सरकार इस मुद्दे नूं लैके डबल बेंच कोल जाएगी। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल तालाबंदी दौरान फीस नहीं लै सकते, जिहड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासां लगा रहे सन सिर्फ उही ट्यूशन फीस लैण दे हकदार होणगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट अगे बच्चों के मापियां का पक्ष बड़ी ही मजबूती नाल रखे अते इक नहीं सगो 4 वार फीसां माफ करवाउण दी कोशिश भी की। साढ़े स्टेट के जिहड़े साढ़े मुखी हैं लॉ दे एडवोकेट जनरल साहब वो एक बार नहीं 4 बार उन्होंने हाई कोर्ट के विच जाके इस गल की पेशकश की। जदों हाई कोर्ट के विच प्राइवेट स्कूल वाले ने अपनी रिट दायर की उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते हैं तो 70% ही उन्होंने टीचर सैलरी देनी पवेगी। इस गल के उपर साढ़े एडवोकेट जनरल साहब चार पांच वार हाई कोर्ट के खुद पेश होए सरकार का पक्ष फाइट करन वास्ते। हाई कोर्ट ने एक स्टेज के उपर यह भी किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जी तुसी सारे स्टेक होल्डरस अपने को बुला लो ते थोड़े ध्यान होना तुसी सारे भी मीडिया के साथी आप एक बार AG साहब के घर भी कट्ठे हुए शाम को जो असी स्टेक होल्डरस मीटिंग की मकसद इको ही सीगा कि असी चाहते सी कि जे कोई बंदा कोई सर्विसिज प्रोवाइड कर रहा है उसनों वो सर्विसिज के पैसे मिल जाए तो बाकी असी करोना की महामारी वेले बच्चों तो बच्चों के पेरेंट्स नू असी रिलीफ दे सकीए यही सरकार का थॉट सी। बट बहुत सारे स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों ने पहले दिन के इंटरिम ऑर्डर तो लैके 12 जून तक ऑर्डर हाई कोर्ट वालों फाइनल ऑर्डर आना से उदों तक उन्होंने रोकया सी ते वो 12 जून तक के ऑर्डर तक बहुत जगह के उपर केस के उपर वक्-वक् समय के उपर वकील साहबान पेश होए AG साहब पेश होए ते कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर साडे सामने लैके आंदा। उहदे विच मैं सब तो पहला गल करना चाहना जिहड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है उस ऑर्डर दे विच सब तो मेन गल ये है कि जिहड़े पेरेंट्स ते बच्चों के हक की गल सी उस गल दे उपर रिलीफ नहीं दिता गया और असी सरकार दे वल्लों पहले दिन तो ही माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 23 मार्च तो ही इस गल दे उपर लगे हुए सी कि जिहड़े पेरेंट्स हैं या उन्हां दे बच्चे हैं या सरकार लगी हुई सी कि उन्हां नूं असी तकलीफ ना देईए, उन्हां नूं असी अज इस करोना की महामारी दे विच असी उन्हां नूं सपोर्ट करना साडी जिम्मेवारी बनदी है जिस तरह असी बाकी सैक्टर्स नूं सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस गल नूं देखते हुए जदों कल ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उस दे विच सब तो पहला जिहड़ी मेन गल आई है वह बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं जो रिलीफ देने की गल सी उस दे उपर दो चीज़ों के उपर हाई कोर्ट का ऑर्डर साडे हक दे विच नहीं आया या पेरेंट्स के हक विच नहीं आया या वह बच्चों के हक विच नहीं आया और बाकी 4-5 चीज़ा जिहड़ियां उन्होंने कीतियां चाहे वह टीचर्स की सैलरी नूं प्रोटेक्ट करके 100% कीता है।
मैं इस गल्लू वेलकम करदा क्योंकि टीचर साढ़े वो वर्ग है जिहड़े इहदे तों बिना असी एजुकेशन अधूरी है। तो ये गल भी सरकार ने हाई कोर्ट के विच रखी सी कि टीचर्स की सैलरी के उपर 70% ना किया जाए, टीचर की सैलरी नूं पूरा किया जाए। दूजी गल जिहड़ी गल मंजूर की है वह ये की है कि किसी भी बच्चे नूं स्कूल तो बाहर नहीं कढ़िया जाऊगा। तीजी गल जिहड़ी दी मंजूरी हुई है वह ये हुई है कि बच्चे चाहे महीने बाद फीस देन ते चाहे क्वार्टरली देने, बच्चों का प्रेरोगेटिव होगा, ये बच्चों की मर्जी होगी कि बच्चे की करना चाहते हैं। चौथा अहम गल यह हुई है कि जिहड़ा 8% का फैसला है रेफी रेगुलेशन एक्ट है कि जिहड़ा पिछले साल की फीस नालों अगले साल च स्कूलों वालों नूं 8% फीस इनहांस करन दा प्रेरोगेटिव हुंदा है, उस गल या वह जिहड़ा मैंडेटरी लॉ है उसके उपर सरकार नूं रिलीफ दिता है और यह कहा कि वह 8% फीस हाइक नहीं होगी। और यह भी मैं कहना चाहुंदा कि ये सारे कंट्री दे विच वख-वख स्टेटां ने इस गल नूं हमेशा रखिया कि कोई भी पिछले साल नालों इस बार फीस वधा के चार्ज नहीं करूगा। ये सारियां गल्लां वख-वख जिहड़े फैसले कल आए हैं ये साढ़े जिहड़ी सरकार ने पॉइंट्स फाइट किए सी उस दे तहत आए हैं। सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सदी गई कैबिनेट की बैठक विच भी मामला जोर शोर नाल विचारिया गया जिथे यही फैसला लिया गया कि पंजाब सरकार वालों हाई कोर्ट के फैसले नूं हाई कोर्ट के डबल बेंच अगे रखा जाएगा। जिहड़ियां दो गल्लां दे उपर सरकार फाइट कर रही थी जिस दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा जो फायदा है वो बेसिकली बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं होना सी फीस नूं लैके, उस दे पद्धर ते मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी ने कल कैबिनेट दे विच डिस्कशन की और सारे मंत्रीमंडल दे सामने इस गल दा फैसला किया और असी एक छोटा जिहा ग्रुप बनाया सी फर्दर डिस्कशन वास्ते जिहदे विच ऑनरेबल ए जी मेरे सैकटरी कृष्ण कुमार जी ते मेरे साडे चीफ सैकटरी विनी महाजन जी ते मैं उस च मौजूद सी। उहदी एक डिस्कशन तो बाद असी ये फैसला किया कि असी सरकार LPA दे विच जाऊगी, डबल बेंच दे विच जाके कोर्ट दे विच असी फाइट करांगे। जिहड़े दो चीज़ां दा सानू रिलीफ नहीं मिलिया उस दे वाल गल करांगे और असी वी विल ऑलसो ट्राई एंड प्रे टू द कोर्ट दैट कि कोर्ट उस गल दे उपर रिलीफ दवे क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत अहम चीज़ है जिहड़ी हर घर दे नाल, हर पेरेंट दे नाल, हर बच्चे दे नाल जुड़ी गल है और सरकार पहले दिन तो इस गल दे उपर फाइट करन वास्ते अपना पक्ष रख रही है। कोर्ट ने जिहड़ी गल्लां दे उपर सानू सहमति दित्ती है उस गल दा मैं कोर्ट दा धन्नवाद भी करना चाहुंदा, पर नाल दी नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी करोना दी महामारी दे विच ये चीज़ां दी प्रॉब्लम चल रही है उस दे विच सानू कोर्ट बाकी चीज़ां दे विच भी रिलीफ दवे ताकि असी लोगों के वास्ते इस समय विच असी लोगों के हक दे विच खड़ सकीए। सो मैं ये गल करन वास्ते तुहाडे कोले अज हाज़र होए हैं। वी हैव ट्राई टू फाइट द केस इन द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला साढ़े सारे वास्ते बाइंडिंग है, बट असी साढ़े कोले एज अ गवर्नमेंट साढ़े कोले इको ही चीज़ साढ़े सामने सामने आउंदी है कि असी LPA फाइल करिए, डबल बेंच के उपर असी अपील च जाइए, उस गल नूं करन वास्ते सरकार ने फैसला किया क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दीआं एसोसीएशन ने भी अपने वकील खड़े करके पिछली बारी केस दे विच फाइट किया सी, पर लेकिन जो साढ़े AG साहब ने फाइट किया उहदे चों चार पांच चीज़ां जो मैं तुहानूं दसी हैं उस दे विच कोर्ट ने सानू रिलीफ दिता है और उस गल का मैं धन्यवाद करदा। और जिहड़े बच्चों के पेरेंट्स नाल जुड़े हुए फीस के मुद्दे के उपर रिलीफ नहीं आया वह भी असी चाहते हैं कि उस दे उपर रिलीफ आवे क्योंकि यह भी कहा कोर्ट ने कि जिहड़े बच्चों कोई बच्चे फीस नहीं दे सकते वह अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपील करन, वो अपने एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रिंसीपल को देंगे तो वह फैसला रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगा। आई थिंक वह भी एक फैसला हैगा, पर लेकिन अल्टीमेटली दी लार्जर एस्पेक्ट इज कि असी बच्चे जिहड़े स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों नहीं दे रहे तो वह फीस ना चार्ज करन, ये साडी अपील पहला भी रही है, असी पहला भी इसे ग्राउंड के उपर फाइट किया और जिहड़े जिहड़े चार्जिज़ या जिहड़ियां सर्विसिज स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे वो वालियां सर्विसिज के उपर भी चार्जिज ना लिते जान। नहीं तो मैं अज सवेर का देख रहे हैं कई स्कूल्स ने अपने ऑर्डरस कढ़ने शुरू करते कि सानू पुरानी भी फीस साडी जमा करा दो, तो इस करके मैं थोड़े राही क्योंकि तुसी मेरी गल नूं खले खले घर तक पहुँचाण वास्ते सरकार दी गल नूं मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी गल नूं तुसी सारे घर तक पहुँचाण नूं साडी फीलिंग नूं तुसी साडी मदद करोगे ताकि असी आपां इस गल नूं चंगे तरीके नाल फाइट कर सकीए। ते जिहड़े पेरेंट्स इस करोना दी महामारी करके बहुत दर्द च हैं, तंगी च हैं, उहनां दे नाल असी खड़ सकीए, यही मैं तुहाडे सारिआं नाल गल करन वास्ते अज हाज़र होया सी।
इस नाल ही कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा है कि भावें सरकार इस मामले नूं लै के डबल बेंच कोल अपील कर जा रही है पर फिलहाल लई हाई कोर्ट का फैसला सारे स्कूलों ते लागू किया जाएगा। इस दे नाल ही उन्हां किसी भी स्कूल नूं लेट फीस ना वसूलन की चेतावनी भी दी। देखो तुसी, देखो तुसी जिहड़ी गल कीती है बड़ी बहुत चंगी गल कीती है। एक ऑनेस्ट फीडबैक हुंदा है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलेज मैनेजमेंट सॉरी स्कूल मैनेजमेंट द टीचर एंड द पेरेंट एंड द चाइल्ड। सो ये जिहड़े चार लोग हैं, ये चार स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हां दा आपस दे विच इक बड़ा कोहेसिव रिलेशनशिप है, आपस च बड़े नेड़े हैं एक दूजे दे, ठीक है। तो जो असी ऑनलाइन क्लासिस की गल कही, जो सरकार ने ऑनलाइन क्लासिस का ऑर्डर इशू किया, वो इस करके किया कि दैट दे विल बी ऑनेस्ट एंड दे विल बी चार्जिंग सच अ फीस, बिकॉज साढ़े वास्ते चारों कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट हैं। जे साडे पंजाब के लोग अपने बच्चों प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल पढ़ा के अपने बच्चों चंगी एजुकेशन देने वास्ते गल करते हैं, दे फील दे वॉन्ट टू पुट दे चिल्ड्रन इन अ प्राइवेट स्कूल, तो अगर सरकार ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन दो तो ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हो, तो साडा मकसद यह कि दैट दे शुड बी ट्रू टू दैमसैल्वस बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू इनफ्रिंज इन टू द रिलेशनशिप विच दे ऑल फोर होल्ड अमंगस्ट ईच अदर। वो चारा का आपस के भी अपना एक बहुत चंगा तो नेड़ला रिश्ता होंगे। कोई टीचर 2000 से नौकरी करता प्राइवेट स्कूल, उन्होंने 2000 रुपया सूट करता, कहना मैं चार घंटे करूँगा मैं 2000 मिल जाए तो मैं 2000 च काम करने तैयार है, पर 2000 कितने के वेजिज हैं जी? हो सकता है शायद वो तो 10-7 हज़ार से करा लेंगे हो, ठीक है। बट लेकिन दैट्स अ कोरिलेशन बिटवीन ऑल द फोर स्टेक होल्डर्स, असं उसे इनफ्रिंज नहीं करना चाहते। सानू सिर्फ यह गल सी कि जेडे बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है बाय प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है प्राइवेट स्कूल्स वालों, वो सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। असं ऐनी गल, वी नैवर न्यू कि बंदा कोई वट्सएप के उपर फोटो खिंच के वह होमवर्क भेज के उन्होंने ऑनलाइन क्लास चार्ज करूगा। बेसिकली दैट्स वॉट आई एम सेइंग, तो एक गल दिस इज रोंग ऑन द पार्ट ऑफ पीपल हू आर चार्जिंग फीस बाय सेंडिंग होमवर्क ऑन वट्सएप। यार अच्छा, यदा एक होर भी पहलू है, जे आह वाली गल प्राइवेट स्कूलों ने की तो अज तुसी देखो सरकारी स्कूलों के होर भी बड़े फैक्टर्स हैं कि साडे एनरोलमेंट बढ़ रही है, तो साडियां भी ऑनलाइन क्लासिस चल रही हैं, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हू आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स। तो इस करके साडे जिहड़ी एनरोलमेंट आ जे 2.5 लाख तो वध बच्चा इस साल साडे स्कूलों च सरकारी स्कूलों एनरोल हो गया, तो जे सपोज प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के नाल इस तरीके की गल करनगे तो प्राइवेट जिहड़े स्कूलों बच्चों के पेरेंट्स हैं दे हैव अदर ऑप्शन ऑलसो अवेलेबल। यार तो आई थिंक वी हैव टू बी ऑनेस्ट, एजुकेशन इज सच अ सैक्टर विच इज़ अ सैक्टर इन विच वी हैव टू प्रोवाइड सर्विसिज। आपां अपनी जिम्मेवारी है, आपां एक समाजिक जिम्मेवारी भी होंदी है कि असी अपने किसी पंजाब के बच्चों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने वास्ते आपां कोई काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सानू इस ऑनेस्टी तो दूर नहीं जाना चाहिए। तो असी भी एज अ डिपार्टमेंट जिहड़े वो चारां दा आपस दे विच रिलेशन है असी भी उहदे च इनफ्रिंज नहीं करना चाहते, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप विच दे ऑल फोर हैव अमंगस्ट दैम। बट ऑन द अदर हैंड जिथे कोई बंदिया ने 23 मार्च नूं ही बच्चों लेट पेमेंट के नोटिस भेजने शुरू करते, बहुत सारे बच्चों ये कहता कि जो तुम 31 मार्च तो पहला फीस ना दी तुहाडे 9 कट देंगे, तो इस करके सरकार ने पहले दिन पहले लॉकडाउन वाले दिन बच्चों के इंट्रस्ट पेरेंट्स के इंट्रस्ट ये ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी स्कूल लेट पेमेंट नहीं चार्ज करेगा, कोई भी बच्चों फीस नू डेफर रहेगी, तो जो स्कूल फिजिकली खुलेंगे उस बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना प्रो रेटा बेसिस के उपर अपने फीस नू रीशेड्यूल करके लोगों तक पहुँचाएंगे। सो वी आर वेरी क्लीयर ऑन डे फ्रॉम डे वन टिल टूडे, और असी इस गल नू मैं खुद मोनीटर कर रहा, आई एम मोनीटरिंग माई सैल्फ, मैं जेडे बच्चों प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वी आर ट्राइंग टू टेक अ लीनियंट व्यू। असी नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं के बोर्ड के भी पढ़ते हैं, तो साडा उन्होंने उपर भी साड़ी जिम्मेवारी है। तो कहने का मेरा मकसद है असी भी चाहते हैं अज कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर ऑनेस्टली अगर इंप्लीमेंट करना है वो भी स्कूल की जिम्मेवारी है, ठीक है। साडे कोले एपलेंट अथॉरिटी करके डीओ कोले पावर है, वी स्टिल वी डोंट वॉन्ट कि असी स्कूल नूं, क्योंकि मैं जे पंजाब च 25,000 प्राइवेट स्कूल है तो मेरे डीओ का यह काम थोड़ी है कि 25,000 प्राइवेट स्कूलों के उपर डंडा मारना शुरू कर दी असी। सो माई ओनली पॉइंट इज आई वुड रादर राइट टू टेल एवरीबडी थ्रू यू पीपल कि जिहड़ा हाई कोर्ट का ऑर्डर है अज असी एज अ लॉफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री वी विल फाइल एन अपील
ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ